की तरफ से भारत को मिला धमाकेदार ऑफर। S-400 के बाद S-500 की भारत में करेगा तैनाती। चीनी सुपर हाइपर मिसाइलों को निगल जाएगा ये हथियार। चीन के 250J-20 विमानों को बना देगा कबाड़ का ढेर। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप भारत को अपने हथियार दिखाकर अपने खेमे में करना चाहते थे, लेकिन ये देश किसी भी हालत में भारत से अपनी तकनीक शेयर करने को तैयार नहीं थे। वो केवल अपने हथियार बेचना चाहते थे, जबकि रूस अपने हर हथियार की तकनीक भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। और दोनों देशों ने कई हथियार मिलकर तैयार किए हैं, चाहे वो मिग विमान है, सुखोई 30 हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल। वहीं फ्रांस ने जब भारत को अपने राफेल विमान दिए तो न तो उसने तकनीक ट्रांसफर की और न ही विमानों का प्रोडक्शन भारत में करने को तैयार हुआ। भारत ने उस वक्त जरूरत के हिसाब से फ्रांस से विमान खरीद लिए थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से रूस से ही लगातार डील कर रहा है और फ्रांस के साथ तमाम डील को रोक कर रखा है, जिनमें राफेल मरीन भी शामिल है। रूस ने भी जब देखा कि यूरोप भारत को हथियार देने का लालच देकर अपने खेमे में करना चाहता है, तो उसने भारत की सुरक्षा के लिए ताबड़तोड़ हथियारों की सौगात भेजने लगा। और अब की बार उसने अपने हाल में ही बनाए S-500 डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे डाला है। रूस के S-400 सिस्टम को ही दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये उसका भी एडवांस वर्जन है, जो उससे कई गुना ज्यादा ताकत रखता है। भारत को रूस ने इसे लेकर जो ऑफर किया है वो चौंकाने वाला है। अगर भारत इसके लिए राजी होता है तो इससे चीन की बर्बादी फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये चीन की हर मिसाइल के साथ J-20 को राख कर देगा। तो दोस्तों, इस बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस हथियार की दमदार ताकत आपको हिलाकर रख देगी। 25,200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है हमला। एक साथ 10 टारगेट को कर सकता है पूरी तरह तबाह। 600 किलोमीटर की रेंज में कोई परिंदा भी नहीं मार सकता। पर रूस के इस लड़ाके को खरीदने के बाद भारत की सेना कितनी मजबूत हो जाएगी और रणनीतिक रूप से ये कितना बवाल फैसला होने वाला है, इसे बताने से पहले हम आपको इसकी भयंकर क्षमताओं और तकनीक के बारे में बताना चाहेंगे। S-500 मिसाइल सिस्टम किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट, हाइपरसोनिक मिसाइल और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को खत्म कर सकता है। ये रक्षा कवच के साथ घातक हमला करने वाला हथियार है। इसका पूरा नाम है S-500 प्रोमेटा है। प्रोमेटा ग्रीक पौराणिक ग्रंथों से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब है प्रोमेथियस। प्रोमेथियस ग्रीस का प्राचीन अग्निदेव था। S-500 लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसे आसानी से कहीं भी तैनात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी S-400 की तरह ही ट्रक में फिट है। सिस्टम की टारगेट रेंज 600 किलोमीटर है। यह 800 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को पहचान सकता है। यह सिस्टम एक बार में 10 अलग अलग प्रकार के टारगेट हिट कर सकता है। इसमें लगी मिसाइल टारगेट की तरफ 25,200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करती है, यानी यह सिस्टम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की रफ्तार से आते हुए हाइपरसोनिक हथियारों को भी मारकर गिरा सकता है। इसमें लगी मिसाइल टारगेट की तरफ बढ़ते वक्त अपनी दिशा बदल सकती है, भागते हुए टारगेट की तरफ पीछा कर सकती हैं या फिर उनकी दिशा के हिसाब से हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल सिस्टम को रूस के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400, S-300V, M-4, S-350 वित्याज और दूसरे सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये सिस्टम ऐसी मिसाइलों से लैस है जो अंतरिक्ष तक हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल सिस्टम में 77N-6N और 77N-6N-1 इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं। ये मिसाइल एंटी सैटेलाइट और एंटी स्पेसक्राफ्ट टारगेट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जबकि दूसरे वर्जन में 40N-6M एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लगी हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों स्टेल्थ फाइटर जेट पर हमला करेंगी। मतलब ये इतना घातक है कि इससे पांचवी पीढ़ी के वो विमान भी नहीं बच सकते हैं जो स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं। अमेरिका S-400 सिस्टम से ही खौफ खाते हुए उससे अपने F-35 विमान को दूर रखता है। ऐसे में S-500 के आगे चीनी J-20 की क्या हालत होगी, समझा जा सकता है। यही वजह है कि रूस के इस ऑफर के बाद चीन के साथ ही अमेरिका की भी हालत पस्त है। दुश्मन चीन के पास भी नहीं है इतना ताकतवर सिस्टम। भारत में ही तैयार होगा पूरा का पूरा S-500 सिस्टम। इस ऑफर के बाद चीन के साथ अमेरिका में मचा टहलका।
S-500 का भारत को मिला ऑफर चीन की ताबूत में आखिरी कील जैसा है, जहां रूस चीन के साथ लगातार दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन भारत के बजाय छठी बार राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की यात्रा पर गए थे। वहीं उन्होंने भारत को S-500 का भयंकर ऑफर देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस को इस सिस्टम को तैयार किए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन उसने भारत की जरूरत को देखते हुए तुरंत ही ऑफर दे दिया है। इस ऑफर में सबसे खास बात यह है कि रूस भारत के साथ इसकी तकनीक शेयर करने और इसे ब्रह्मोस की तरह ही भारत में बनाने को तैयार है। अमेरिका जैसे देश जिस हथियार की तकनीक जानने के लिए अपनी ताकत झोंक रहे हैं, रूस उस हथियार की तकनीक भारत को सहज ही देने को तैयार है। अगर भारत इस करार के लिए राजी होता है तो ये ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। इससे भारत को तगड़ा फायदा होगा, इससे देश का रक्षा उद्योग बढ़ेगा, साथ ही सुरक्षा का लेवल भी बढ़ेगा। भारत के पास रूस से खरीदे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 3 बैटरियां हैं, 2 और बैटरियां आने वाली हैं। ऐसे में अगर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का उत्पादन भारत में होता है तो काफी ज्यादा रणनीतिक और आर्थिक फायदा होगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भारत में इस घातक सिस्टम के उत्पादन के बाद सीमा पर इनकी भारी तैनाती हो सकेगी। तकनीक ट्रांसफर के बाद भारत इसे खुद ही बनाएगा, इससे इसकी लागत कम आएगी। भविष्य में जब रूस इससे घातक सिस्टम तैयार कर लेगा तो इसे तमाम मित्र देशों को बेचने की परमिशन भी दे सकता है, या शुरू में ही इसके लिए राजी हो जाए। ऐसे में भारत अगर इसे ब्रह्मोस की तरह बेचना शुरू करता है तो इससे इतना भयंकर फायदा होगा जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया है, क्योंकि ये बेहद महंगा हथियार है। इसके अलावा तकनीक ट्रांसफर की वजह से भारत तमाम तरह के घातक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में सक्षम हो जाएगा। भारत रूस की दोस्ती का ये जलजला है कि रूस भारत को अपने इतने खास हथियार की तकनीक तक देने को तैयार है, वरना रूस S-400 की तकनीक भी किसी को देने को राजी नहीं है। ये रूस के हथियारों के जखीरे में सबसे बवंडर हथियार हैं, जिनका दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है। चीन भारत को धमकाने के लिए बार बार अपने J-20 विमानों की धमक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन J-20 कितने भी ताकतवर हो, अमेरिका के F-35 से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अमेरिका जब अपने F-35 को ही S-400 के पास फटकने नहीं देता है, ऐसे में चीनी J-20 S-500 के आगे कितनी देर तक टिक पाएंगे? चीन ने 250 J-20 बना डाले हैं। ऐसे में जंग के हालत में S-500 गेम चेंजर साबित होगा और चीनी विमानों को कबाड़ का ढेर बना डालेगा। इसी वजह से रूस के ऑफर के बाद चीन तो क्या अमेरिका में भी बवंडर मच गया है, और फ्रांस को अपनी सारी डील रूस की तरफ खिसकती दिख रही है, क्योंकि वो तकनीक ट्रांसफर करने से बिचक रहा था। तो दोस्तों, रूस के इस हथियार के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखें, और भारतीय सेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।